तो 10 कहानियों में पहली कहानी रूस यूक्रेन युद्ध का। आज 31वां दिन है और रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूस ने आज यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का वीडियो जारी किया जिसमें सीरियर एयर स्ट्राइक दिखाई पड़ी है। यूक्रेन भी युद्ध के मैदान में जमा हुआ है। यूक्रेन की सेना ने बर्दियांसक पोर्ट पर खड़े रूसी जहाज सारातोव को नष्ट करने का दावा किया। बर्दियांसक पोर्ट रूस के कब्जे में है। यूक्रेन की आर्मी नष्ट किए गए रूसी जहाज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर रही है। कीव पर भी रूस के हमले जारी हैं। एक तेल डिपो को रूस ने निशाना बनाया है। मारियोपोल में रूसी सेना ने एक बार फिर जबरदस्त हमला किया। पूरे शहर में दिखाई पड़े तबाही के निशान। हमलों में मारियोपोल को भारी नुकसान। यूक्रेन से लगातार जारी है पलायन। मारियोपोल में थिएटर पर किए गए रूसी हमले में 300 आम नागरिकों के मारे जाने का दावा। यूक्रेन के मुताबिक ये नागरिकों पर रूस का सबसे बड़ा हमला है। पिछले हफ्ते रूस ने थिएटर पर मिसाइल अटैक किया था। यूक्रेन को लेकर रूस बेहद सख्त है। पुतिन ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में परमाणु पनडुब्बियां उतारी हैं। एक पनडुब्बी पर 16 मिसाइलें तैनात हैं। परमाणु हमले की धमकी के एक दिन बाद इन पनडुब्बियों को सागर में उतारना परमाणु युद्ध के खतरे को और ज्यादा बढ़ाता हुआ। रूस के हमले में एक चर्च पूरी तरह से तबाह हो गया। ऑर्थोडॉक्स चर्च पर यह बमबारी हुई थी। तबाही की तस्वीरें सामने आई। रूस के गिराए गए विमान के पायलट ने कबूला कि भागने की कोशिश के दौरान एक नागरिक को मारा। यूक्रेन की जंग में रूसी कर्नल की मौत। अलेक्सी शारोव थे ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा। और रूस ने यूक्रेन के कई अस्पतालों को बनाया निशाना। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 34 अस्पतालों पर बमबारी।